ऐसे करिए, इसका कंपैरिजन किया था ठीक है। अब आगे ऐसे टू एस कंपैरिजन करना है, बट हम फिनोल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि अल्कोहल चैप्टर से पढ़ेंगे तो आप फिनोल्स आएंगे ठीक है, OH ग्रुप लगा। तो अब यहाँ पर आप इन तीनों में एसिडिक नेचर बताओ मुझे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वो भी काम आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये केस मैंने वहां पर भी करवाया था जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये केस करवाया था मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के टाइम पे, कौन अच्छा एसिड होगा कौन बेकार एसिड होगा ठीक। तो अब फिर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो ग्रुप लगा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। OH OH ये सब तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं मेरे को ठीक है ना, OH के साथ बेंजीन लग गई, ये मेरे पास कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस M शो करेगा पहली चीज, दूसरा माइनस IB शो करेगा ठीक है। अब ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पे, मेटा पे रेजोनेंस तो नहीं लगता, लगेगा क्या, सिर्फ माइनस है ठीक है। फिर यहां पर ये लगा हुआ कहां पर, पैरा पे, पैरा पे इसका माइनस एम भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, और यहां तो कुछ लगा हुआ ही नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस वाले इफेक्ट के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर लग रहा होगा, ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे, और लास्ट में वो, ये मेरा आंसर आना चाहिए। बट यहां पर क्या होता है, अगर वो आंसर निकालते हैं ठीक है, बट वो ऐसे आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है यहां पर, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग वाले दिखे जाते हैं जब मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाई थी, तो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देगा। अब जब ये विद इन अ मॉलिक्यूल जब मेरे पास बॉन्डिंग होती है, क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, शो करेगा। जब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये हाइड्रोजन तो अब बाहर नहीं निकल पाएगा। अब भाई जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा नहीं, तो एसिडिक नेचर कहां से आ गया, है कि नहीं, इतनी आसानी से निकल नहीं पाता, इसके अंदर भी होती है बट इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। कैसे मैं बनाकर दिखाता हूं, तो पहले तो इसका आंसर आता है सी ए बी डी, ये तो इसका एसिडिक नेचर है। अब मैं दिखाता हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है दोनों के अंदर। मेरे पास एक तरफ आप लिख लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक तरफ लिखना आप पैरा नाइट्रो फिनोल, और तो नाइट्रोफिनोल की बात करेंगे, और एक तरफ करेंगे हम लोग पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करेंगे। पहले इसको बना लो और इसका आंसर लिख लो। बट वहां तो ऑप्शन में वो भी होता, रिव्यू होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज ध्यान रखनी है, किसी के लिए मैं यहाँ पर इनके बारे में भी लिखवाऊंगा आपको ठीक है। क्योंकि होता है अगर नॉर्मली निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इससे ज्यादा है, ए का सी से ज्यादा कर देते, वो आपने अभी तक जो पढ़ा उस पर एकदम ठीक है, बट होता है यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मोलिकुलर होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन अभी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है मेरे पास, ही OH लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है NO2, और ये मेरा है पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होती है, तो इसके अंदर होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर जो होती है इंटरमोलिक्यूलर, मतलब
एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो यहां पर प्रेजेंट होगी मेरे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सामने देखो क्या है, कुछ पॉइंट से पहले उसको समझो फिर लिखना। यहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगा वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फिर वैन डर वाल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू वैन डर वाल फोर्सेस, इसलिए आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला पार्ट पढ़ाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर काम आने वाला था, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि भाई इन दोनों के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस लग रही है और इन दोनों के बीच में क्या लग रही है मेरे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही। अब बताओ एसिडिक नेचर तो आपको पता चल गया, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सेकेंड वाला इससे ज्यादा है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अभी आप लिखो मत, पहले समझ लो, ये लेस एसिडिक होगा और ये क्या होगा मेरे पास? मोर एसिडिक। अब मुझे बताओ अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो किसका ज्यादा होगा? पहले सोचना बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मैं हीट करूंगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाने चाहिए? दूर चले जाने चाहिए, है कि नहीं? और पहला का ज्यादा होगा और थोड़ा कम होगा, क्यों? मुझे पता है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? वीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी ये बॉन्ड टूटेगा, तभी ये मॉलिक्यूल अलग जाएगा और ये मॉलिक्यूल मेरा अलग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो थोड़ा सा हीट करते ये क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सर मोर एसिडिक वाला लेस एसिडिक वाला बता दो। यहाँ का हाइड्रोजन तो इस मॉलिक्यूल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन मेरा इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। जब मॉलिक्यूल से बाहर हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन एसिड कैसा होगा? एसिड तो वही है जो H+ डोनेट करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसका क्या होगा मेरे पास? लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका क्या होगा? मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मुझे बताओ वोलेटाइल नेचर किसका अच्छा होगा, इसका या इसका? वोलेटाइल नेचर मतलब कौन जल्दी वेपर्स में चला जाएगा? औरतों का ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो वीक है। तो मैं लिखूंगा ये क्या होगा मेरे पास? मोर वोलेटाइल। एग्जाम में सारे पॉइंट पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, इनको वोलेटाइल नेचर कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, इन सब के बारे में बताओ, फिर ये हो जाएगा मेरे पास लेस वोलेटाइल होगा, ठीक है। इसको लिखो फटाफट। और वाटर के अंदर कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा कम सॉल्युबल होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ज्यादा होगा क्यों? पैरा वो इजीली सॉल्युबल होगा। क्या नहीं तो पैरा ज्यादा होगा, पैरा ज्यादा होगा क्यों? सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कौन ज्यादा बॉन्डिंग शो कर रहा है, मतलब वाटर के साथ कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उससे कंपेयर में। अच्छा, क्योंकि ये खुद ही देख ना, जब पानी में डालेंगे तो ये वाटर के साथ अलग बॉन्ड कर रहा होगा, ये अलग, ये अलग, ये ऑक्सीजन अलग, तो ये ज्यादा वाटर के साथ मिलेगा, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है? कम। तो ये पॉइंट पे आप लिख सकते हो लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ये मेरे पास क्या होगी? मोर सॉल्युबल। ये लोग लिख रहे हैं तो जितने से सुन ले,
ये इनसे लिख लेना बाद में, ठीक है? पहले मैं समझा लूं। हम लोगों को इन सब के अंदर क्या करना था, एसिडिक नेचर को कंपेयर करना था, ठीक है? NO2 ग्रुप लगा हुआ है और तो पोजीशन पे NO2 NO2 लगा, ये मेटा पे लगा और ये मेरे पास पैरा पे लगा हुआ, ठीक है? अब जो NO2 ग्रुप है ये मेरे पास माइनस एम और माइनस आई को क्या करता है, शो करता है, इससे एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये मेरे पास कहां लगा हुआ है, मेटा पे, मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगता, सिर्फ क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ये पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर मेटा और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लगते हैं, ठीक है? क्योंकि इंडक्टिव तो हर जगह ही लगता है, बट मेरा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास माइनस एम और माइनस आई लगे हुए, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर ए सी बी डी आना चाहिए, बट आंसर सी ए है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था केमिकल के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, तो इस मॉलिक्यूल से बाहर तो नहीं निकल पाएगा। अब जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो एसिड कैसे काम करेगा, एसिड तो वही ना जो एच प्लस डोनेट कर सके, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए कम एसिडिक हो जाता है एज कम्पेयर टू सीबी। तो पहले सी आता है फिर ए आता है, वहां पर ये चीज लिखवाई हुई है मैंने कि ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी इंटर मॉलिक्यूलर, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है? पैरा में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है? इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है? यहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? ये तो हाइड्रोजन जा नहीं पाएगा इसलिए लेस एसिडिक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगी वैन डर वाल फोर्सेस, और इन दोनों के बीच में क्या है, मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज कम्पेयर टू वैन डर वाल। तो अगर मैं जब हीट करूंगा तो ये वीक फोर्सेस है, आसानी से टूट जाएगा, ये दोनों मेरे पास क्या होगा, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ये लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे ज्यादा होगा, ये जल्दी गैसियस में जा रहा है इसलिए मोर वोलेटाइल है, ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल, ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वाटर के साथ इसलिए लेस सोल्युबल है, वो मेरे पास का ज्यादा सोल्युबल, ठीक? तो बाकी लिख लो फटाफट, तो सर इसका बीओटीसी भी तो कम होना चाहिए, किसका एक बार भी बीओटीसी नहीं, क्योंकि इतना तो डोनेट कर देता ना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमने पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो तो लग रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो वो निकल भी जाएगा, बट वो इसके कंपेयर में कम हो जाएगा। चलो आगे लिखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसके बारे में लिखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये फिनॉल जब पढ़ते हैं ना वहां पर कंपैरिजन आता है एसिडिक नेचर का, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, ध्यान से याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक, नहीं नहीं ये लिख लिया ना, तो फिर कोई वैसे लिखवा रहा हूँ मैं लैंग्वेज में, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग removal of proton becomes difficult in ortho isomer next point, when a molecule form intramolecular hydrogen bonding then its efficiency decreases to form intermolecular hydrogen bonding। अगर मॉलिक्यूल आपका इंट्रा बना रहा है तो इंटर नहीं बना पाता है, ठीक है? उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है।
टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहले केस तो हम लोगों ने फिनॉल्स में देख लिया, नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस करेंगे, लिखो आप सेकेंड केस, सेम हेलोजन एट डिफरेंट प्लेस, इनमें कंपेयर करो, आंसर निकालो। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। क्लोरीन का क्या लगता है, प्लस आयन का माइनस आयन लगता है, याद नहीं करना, माइनस आयन, माइनस आयन लगता है, ठीक है। तब जो माइनस आयन लग रहा है तो अलग अलग पोजीशन में लगा हुआ, ऑर्थो मेटा और पैरा के ऊपर। अब जब वो ऑर्थो पे लगा होता है सबसे पास में तो ज्यादा लगाएगा माइनस आई, बट जब जितने ज्यादा माइनस इफेक्ट लगते हैं तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करते हुए चली जाती है। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, जो थर्ड केस आता है मेरे पास वो है डिफरेंट हैलोजन्स का, OH फ्लोरीन लगा हुआ है यहां पे, OH और क्लोरीन लगा हुआ, आंसर निकाल दो। ऐसा लगता है मैं नहीं हो पाया, सेशन तो नहीं पाया। ए ग्रेटर देन बी, देखो पहले वाले का तो समझ में आ गया ये, ठीक है, बट जब इस वाले केस में आता है तो वो ए ग्रेटर देन बी लगता है, ठीक है। और उन्होंने वही चीज अगर हम लोग देखे फ्लोरीन का जो मेरे पास है या फिर हम लोग क्लोरीन का जो इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो फ्लोरीन का ज्यादा माइनस है देख रहे होते हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होता है इसका इससे ज्यादा होना चाहिए, बट आंसर जो होता है ये इससे ज्यादा होता है, तो साइज के देखेंगे। हाँ, जैसे हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट देखा था CH3 के साथ F4Cl लगा हुआ था, तब क्या होता है मेरा जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है किससे, फ्लोरीन से, इन सब केसेस में इसीलिए, ठीक है। और लिख सकते हो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरीन। ये जो केस है ना अलग से वही मैंने आपको लिखवा रखे, बाकी तो आप आज का नॉर्मल ट्रेंड ही ध्यान दोगे, जिनको मैं मेंशन करा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इसीलिए वापस भी जाते हैं। सर खाली फिनॉल से ही होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का प्लस एम भी कहीं ना कहीं काम कर रहा था, प्लस की वजह से क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, एक्सपेरिमेंटल लाते हैं इसका, इस इसका पर इसका प्लस क्लोरीन का प्लस एम कम है ना फ्लोरीन से, तो प्लस एम जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। आयुष वो गेट बंद कर दे,
ठीक है अब देखो एडिट डालो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम लोग क्या करेंगे अब एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे ये जो आप चैप्टर पढ़ते हो ना एसिड डेरिवेटिव्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर भी आएगा जो ट्वेल्थ में पढ़ो क्वेश्चन लिखो इन दिनों में कंपेयर करना है कार्बन के साथ ही लगा हुआ है वैसे वो लाइट कर दिया ना ठीक है अच्छा ध्यान से सोच लो हर एक ग्रुप इसमें क्या कॉमन है वो देखो सबसे पहले सी डबल बॉन्ड हो इस समय कॉमन है वो चीज हटा दो अब जो बचे हुए ग्रुप है उनका काम लिखो वो क्या काम करते हैं ठीक है ना देखो बता दो होगा क्या ये चीज तो मेरे सब में क्या है सेम है अगर ये एक्सप्रेस डोनेट करता तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस तो सबके अंदर होगा तो ये ग्रुप तो मेरे पास क्या सबके अंदर कॉमन हो गया ठीक है इसको हटाओ अब जब हाइड्रोजन लगा होगा हाइड्रोजन क्या शो करता है प्लस आई शो करता है और कुछ तो शो नहीं कर सकता अब ये कार्बन लगा होगा यहां से कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बना भी दो बेंजीन के तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेंगे बाहर जा रहे होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लोन पेयर को बाहर की तरफ खींचेगा तो ये ओवरऑल ग्रुप क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है डोनेट कर रहा है किसके थ्रू रेजोनेंस के इसको क्या लिखेंगे प्लस एन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है एसपी टू के बगल में क्या लगा हुआ है एसपी थ्री लगा हुआ है तो ये क्या करेगा मेरे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास पहली बात तो प्लस एच का काम कर रहा है और CH3 मेरा प्लस आई भी शो करता है कि नहीं करता है ये क्या करेगा मेरे पास प्लस आई को शो करेगा ठीक है तो यहां पर क्या है मेरे पास सबसे अब ये बताओ हम लोग क्या देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जो कि मेरे माइनस आई माइनस एम और माइनस एच होते हैं ठीक है जो मेरा CH3 है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है इस बेंजीन रिंग से ठीक है क्योंकि वो वैसे भी अल्फा हाइड्रोजन से भी डोनेट कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी डोनेट कर रहा है ठीक है तो यहां पर जो आंसर आता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आता है ठीक है क्योंकि इसका मेरे पास प्लस आई लग रहा है सिर्फ तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई तो सबसे कम होगा अब ये प्लस आई कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी यहां रेजोनेंस और यहां पर मेरे पास हाइपर कंजम्पशन ठीक है और वैसे बेंजीन रिंग का देखोगे तो आपके पास माइनस आई भी लगता है हमने लिखा रखा है माइनस आई के ऑर्डर में देखोगे ना तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी लगता है बट ठीक है प्लस आई इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है इसलिए माइनस ऑर्डर में देखोगे तो आपको नीचे वाला सबसे लास्ट वाली लाइन में देखना पीएच लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड पीएच डबल बॉन्ड लिखो इसके बारे में आप ये सबके एक्सप्लेनेशन में लिखवा रहा हूं ये आंसर आया है तो फिर लिखो फॉर्मिक एसिड कौन सा है HCOH सबसे पहले वाला फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन
फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड बिकॉज बेंजीन रिंग डोनेट बिकॉज बेंजीन रिंग डोनेट इलेक्ट्रॉन टू COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप बाय प्लस एम सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग in this case is less than plus i or plus h of methyl group ब्रैकेट में डाटा बेस ठीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है कि वो देखा गया ना एक्सपेरिमेंटली कौन ज्यादा एसिडिक है कौन सा प्लस है प्लस है चौक मिथाइल ग्रुप ब्रैकेट में लिखना डाटा बेस ठीक है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सपेरिमेंटल चीज है जिसे बताया गया था आगे लिखो दैट इज वाई एसिटिक एसिड कौन सा है CH3COOH जो सबसे पहले लिखा वो फॉर्मिक एसिड बीच में बेंजोइक एसिड और लास्ट में एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड ठीक है सेकंड क्वेश्चन अगर आप घर पे बैठे होते स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना सारी चीजें और क्वेश्चन लगाते जाओगे तो आपको एक सीक्वेंस में दिखाई देगा सब कुछ आपको खुद ही आंसर समझ में आ जाने लगेंगे कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है जो कल पढ़ाया था उसका यूज भी आएगा इसके अंदर तो पीछे देख भी सकता जो कल पढ़ाया था कल कर रहे थे मैंने सल्फोनिक एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड था फिनॉल था वाटर था एल्कोहल था एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहा था वही चीज है यहाँ निकालो करेक्ट आंसर निकाल के बताओ क्या सबसे ज्यादा किसका होगा ये बता दो पहले तो बता मेरे को पहले तो सबसे ज्यादा बी सी पहले किसका बी का या सी का नहीं बी ठीक है क्यों अरे पहले ये देखो ना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दूसरा क्या अपने पास फिनोल है और एल्कोहल है कल जो लिखा था नोटो करके देखना पुराने पाप देखो अपने खोल के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन जहां लिखा था उसे आगे बढ़ो आगे ठीक है ठीक है रखा एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है फिर फिनॉल्स है फिर वाटर है लास्ट में एल्कोहल है एल्कोहल को पहले लिया तो कैसे आंसर आएगा सर बी सी बी
फिर वही बात होगी, ए मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है क्या, बी ए आगे नहीं, अरे यार तुम दिमाग में जा रहे हो, अभी तो देखो मैं ये अगर केस ऊपर था सेम कोई अलग नहीं है, तो ये वाली रिंग का यहाँ क्या काम होगा बताओ, प्लस एन का काम कर रही थी, इलेक्ट्रॉन दे रही थी ना भाई, प्लस एन लिखा तो है, तरीके से काम करेगी प्लस एन का। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस तो नहीं होगा, तो इसका एक काम और भी क्या था, माइनस आई, तो इस बार ये रिंग किसका काम करेगी, माइनस आई का काम करेगी, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं रहा, अब रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं रहा तो किसे काम है, माइनस आई का। अब देखो ये ग्रुप मेरे पास क्या है, OH, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, प्लस एन का काम करता है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा यहां पे रेजोनेंस के, ये तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है तो किसका काम करेगी, माइनस एन का, तो बेंजीन रिंग को देखो माइनस एन प्लस एन दोनों का काम करती है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या यूज कर रहे हो आप यहां पे, ऑक्सीजन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या रेजोनेंस में आएगा, रिंग के पास क्या इलेक्ट्रॉन जा रहे तो माइनस एन का काम करेगा, यहां पर ये बेंजीन रिंग सिर्फ किसका काम करेगी, माइनस आई का, इसकी तरह, क्योंकि वहां पर कोई भी रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनोल और एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो हमने कल देखा था कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और एल्कोहल से ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहले कौन आ गया मेरे पास, ये प्लस एम शो कर रहा है तो कम हो जाएगा, पहले माइनस आई वाला बी, फिर आ जाएगा ए। अब यहां पर आ जाओ, यहां माइनस एम लग रहा है, यहां क्या लग रहा है मेरा, माइनस आई लग रहा, तो क्या आ जाएगा फिर सी, और फिर आ जाएगा डी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में, घर में जब क्वेश्चन करोगे तो बोल बोल के खुद से करना पड़ेगा कि ये इफेक्ट शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा, तब जाके प्रैक्टिस में आएंगे क्वेश्चन, चेक करनी पड़ेगी मेहनत के ऊपर, एक बार इनका आंसर निकालना आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार आ गया ना देखना कि ये प्लस एम है या माइनस एम है, इसमें कोई भी ऐसी चीज बताओ कि मैंने आपको पहले बोला तो पहले याद किया था, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, हम लोगों का इसका रीजन भी पता है, अगर ये H+ डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ पर क्या होगा रेजोनेंस में, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड या तो रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ क्या है ऊपर की साइड है, यहाँ पर भी डोनेट का नेगेटिव साइड ऊपर की साइड रेजोनेंस है, यहाँ पर वो रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ही मिलेगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आएगा जो कि लीस्ट स्टेबल होता है, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन लिखवाया था, ठीक है। अगर ये H+ डोनेट करता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कहां पर आएंगे कार्बन पे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहां है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन के ऊपर, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से और एल्कोहल से, ठीक है। इसको लिख लो इसका आंसर, आगे हेडिंग डालो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखी थी हम लोगों ने नॉर्मल कंपाउंड्स की, फिर फिनॉल्स की देखी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी, तो जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना हम लोग तो जब फिनॉल्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आएगा, वो पार्ट तो ही खत्म हो गया, अगली बात सुन लीजिए, तो इसलिए यहां पर मैं करवा रहा हूँ जब चीजें याद रखने के लिए, देखो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अब बेस क्या होता है, जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बेसिकली उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, डोनेट कर सके, ठीक है। तो अगर किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर कम हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, और फिर जो फैक्टर्स आज तक हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़े पहले उनको लिख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन करोगे, थ्योरी जितनी रिक्वायर्ड है वो आप पढ़ चुके हो, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने देख करते हो वो पता चलेगा। बेसिक स्ट्रेंथ को केबी से रिप्रेजेंट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा लोन पेयर होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, जो कि मेरे पास प्लस आई प्लस है और प्लस एच होता है, ठीक।
अब बताओ अगर मैं पीरियड में देखूंगा तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कब, पीरियड्स के अंदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज कब, जब हम लोग ग्रुप के अंदर चेक करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा है, सीधी सी बात है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, जब हम लोग कब देखेंगे, फॉर सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के बारे में जब देखेंगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, अगर रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर चले जाते हैं, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहेगा तो बेस कैसे रहेगा वो, ठीक है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है आपको, याद रखना। बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करो, फिर और देखते हैं आगे क्वेश्चन देते हैं। किसका एनर्जी देखते हैं, मतलब बेस है, बेस निकालने के जिस तरीके से निकालने सीखा वो देखने पहले। ऐसा नहीं है उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये कह सकते हैं। तो जो फैक्टर्स लिखे थे उसी के बेस पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो यहां पर देखिए तो हम लोगों के पास क्या है, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि यहां से मेरे पास क्या होगा, ओ एच एनजी रहेगा, एनए प्लस हो गया, ये एनए प्लस हो गया, और यहां पर क्या होगा, एनएच टू माइनस आ गया, और यहां पर रह गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस और एनए प्लस। ठीक है, तो अब यहां से देखो है क्या चीजें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन, तीनों किसके एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ए तो मेरा लास्ट आ गया, इन दोनों में से नाइट्रोजन की, फिर बी आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या जाएगा, ठीक है, आगे आ जाओ, ये तीनों चीजें देखो यहाँ पे, सीएच थ्री में
है ना, सी एस थ्री कॉमन है। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन है, सारे एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। क्या निकालेंगे? परसेंटेजेस फैक्टर sp3 sp2 और sp। अब जब परसेंटेज स्ट्रक्चर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए एबीसी आ जाएगा। थर्ड वाले आंसर सोचो। एक सेकंड, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गलती है कि मैंने ना कार्बन में नेगेटिव चार्ज स्वैप, किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वहां से देख रहे तो मुझे लगा कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, पर है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर है। जैसे यहाँ पर देखा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पर इसके ऊपर था नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो बी तो ग्रेटर देन ए हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी मेरे पास क्या बता, सॉल्ट है, कब बना होगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो OH के साथ, जब NaOH का रिएक्शन हुआ होगा, एसिड से तो H+ आया होगा, यहां से OH आयन आया होगा, तब बना होगा मेरे पास ये प्लस वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है सॉल्ट, है ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है ना, तो ये मेरे पास आएगा लास्ट में BCN, ठीक है। थर्ड वाले का सोच के निकालो आंसर, जो ऊपर मैंने एक लाइन लिखवाई थी, रेजोनेंस से अगर लोन पेयर जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है डी, देखो मतलब पहले ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, बल्कि इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस आई शो करता है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर यहाँ आ रहे होंगे, मतलब ये रेजोनेंस के अंदर आ चुके। नाइट्रोजन के लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है बेंजीन के साथ, अब यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ के लोन पेयर ज्यादा टाइम तक किसके पास रहेंगे? बेंजीन के पास, ठीक है। अब लोन पेयर अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पर रहेंगे और ये लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इससे ज्यादा है, तो इफेक्टिव रेजोनेंस किसके अंदर ज्यादा होगा? डी के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन लगी हुई है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींच लेगी। अब जब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींच लेगी तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर रहेंगे ही नहीं, ताकि वो बेस की तरह काम कर सके, डोनेशन का काम कर सके, ठीक है। इसलिए ये जो होता है मेरे पास, ये होते हैं एलिफेटिक अमीन, ये मेरे पास होते हैं एरोमेटिक अमीन। आपको पता है इसको एरोमेटिक अमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे मेरे पास क्या एरोमेटिक रिंग है और ऊपर NH2 लगा हुआ है, उसको अमीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अमाइड। तो ये आपका क्या आता है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। एलिफेटिक अमीन ज्यादा अच्छे बेस होते हैं देन एरोमेटिक अमीन्स, और एरोमेटिक अमीन ज्यादा अच्छे बेस होते हैं अमाइड से, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो NH2 ग्रुप पे क्या होते हैं? अमाइड होते हैं। आगे बात समझ रहे, क्योंकि यहाँ इस केस के अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन से लोन पे चले जाएंगे, जब चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो डोनेट कैसे करेगा और बेस की तरह काम वो कैसे करेगा? लिखो इसके बारे में, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन
less basic than aliphatic amines because lone pair on nitrogen atom delocalize so availability of lone pair decreases आगे लिखो amides are less basic than aromatic amines because lone pair participate in resonance with more electronegative atom ये क्वेश्चन फिर आएगा जब हम लोग अमीन्स पढ़ेंगे ना ठीक है नाइट्रोजन कंपाउंड्स तो उसके अंदर फिर आएगा एसिडिक साइड कंपेयर करने को और उसके बाद ये भी आएगा वहीं पे ठीक है ये तो मेरे पास क्या होता है पिरिडीन ये इसे क्या कहते हैं एरोमेटिक अमीन या फिर इसको एनिलीन भी कहते हैं ठीक है एरोमेटिक अमीन उसको इसलिए बोला क्योंकि नीचे एरोमेटिसिटी दिख रही है ठीक है ये मेरे पास क्या होता है पाइरो अब इसका आंसर सोच समझ के दो ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था जब इसका डायग्राम बनाया था ना तब भी तू और क्वेश्चन लिख दे रहा इस साइड लिख लिया दोनों क्वेश्चन को उसको सॉल्व करो निकालिए इसका आंसर ऊपर वाले का देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको
पहले वाले में रिंग नहीं है उसमें, अच्छा उस वाम में। यहाँ पर देखो मेरे पास जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, क्या वो किसी रेजोनेंस में है? नहीं है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के बगल में सी एच टू लगा हुआ है, यहाँ पर भी सी एच टू लगा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या करेंगे, जब सी एच टू या फिर कार्बन की चेन लगी होती है तो सिर्फ क्या शो करता है, प्लस है, इंडक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, प्लस है इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर देखो क्या, अब नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड तो है, बट अब ये कार्बन कैसा है, sp2 है, यहाँ पर कैसा था sp3 था, और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी जो ये डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर भी इस नाइट्रोजन के पास ये भी इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दो चार छह सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है पहले से ही, तो ये रिंग कैसी मेरी पहले से ही क्या है, एरोमेटिक है। इस लोन पेयर का इस एरोमेटिसिटी में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिंग मेरे पास दो चार छह पहले से छह पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है, इस लोन पेयर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब मैंने आपको लिखवाए थे ना पहले नाम, तो लिखवाया था कि ये नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या किस में आ रहे होंगे, रेजोनेंस में आ रहे होंगे, यहां पर वो रेजोनेंस नहीं। तो अगर मैं लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखो तो ये यहां पर आ जाएंगे, तो ये इसके साथ ये रेजोनेंस में आ गए। ये लोन पेयर की बात करूं मतलब 2 4 6 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं, जब इसके अंदर हम लोग लोन पेयर रखेंगे। अगर इस नाइट्रोजन ने अपने इस लोन पेयर को कहीं दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे इसके एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और वो कैसा हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो वापस से लोन पेयर को क्या करेगा, खींच लेगा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब यहां से मुझे बताओ कौन सा ज्यादा बेस होगा, बेस वो अच्छा होता है जिसके पास लोन पेयर हो ताकि वो दे सके बी, ठीक है ना। इसमें क्या दिक्कत है, इसका नाइट्रोजन नहीं दे सकता लोन पेयर, देने के बाद भी स्टेबल रहेगा, क्यों, देखो इसके बगल में लगा हुआ है sp2 हाइब्रिड कार्बन, इसके बगल में क्या लगा हुआ है sp3, तो sp3 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, sp2 बेवकूफ वाली बात मत करो, एसिडिक नेचर देखते हैं, तो sp, अभी तो क्वेश्चन किया ना वहां पे हम लोगों ने, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है तो आपके पास क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, तो ये sp3 ये sp2 है, तो sp3 का ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू पिरिडिन के, तो ये इससे ज्यादा गया, मतलब आपके पास जब भी रिंग के अंदर हो या फिर एलिफेटिक अमीन्स हो वो ज्यादा अच्छे बेस होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक वालों से, अभी वहां पर वही चीज बताई थी मैंने, ठीक। अब इन दोनों में देखिए, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर तो बेंजीन रिंग के साथ घूम के वापस से नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, ठीक है, ये इससे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है अवेलेबल है फुल टाइम डोनेशन के लिए, ये मेरे पास लास्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर यहां से कहीं पे भी नहीं जा सकते, अगर ये लोन पेयर चले गए तो रिंग ऐसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, तो ये नाइट्रोजन इन लोन पेयर को कहीं पे भी डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये इससे अच्छा क्या होगा, बेस होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लिखो इसको आंसर को। सबसे पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, पायरोल के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि वीकेस्ट वन ऑफ द वीकेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है, क्योंकि वो वहां से लोन पेयर कहीं नहीं दे सकता, देगा तो मैं उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, एरोमेटिसिटी जाते हुए हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो सी बी ए, ठीक है, ठीक है, सी बी ए होगा आंसर, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो तो दो सी एच थ्री ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, यहाँ पर एक ये लगा हुआ और एक क्या लगा हुआ है NH2, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, NH2 क्या शो करता है, प्लस है, और ये प्लस आई शो करेगा, यहाँ पर दो NH2 लगे हुए हैं तो दो प्लस एम शो कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप वाले होंगे वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा।
और इसके नीचे लिख लेना guanidin is one of the strongest nitrogenous base. pyrrole के नीचे लिख लेना it is one of the, सबसे weakest नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, one of the, ठीक है, one of the weakest nitrogenous base. और ये लिखना one of the strongest nitrogenous base guanidin के नीचे. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, हम लोग बात करें एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स की. एनिलीन तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है. डेरिवेटिव्स मतलब यहाँ पर ग्रुप लगा होगा, ठीक है. अब ये जो ग्रुप यहाँ पर लगा है, या तो प्लस साइज शो कर रहा होगा, प्लस साइज या प्लस एम शो कर रहा होगा.